Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. एयरपोर्ट पर खड़े जेट एयरवेज के विमान अपनी बदहाल स्थिति से अब बाहर निकलने वाले हैं। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने जेट एयरवेज को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट यानी AOC दे दिया है, यानी अब जेट एयरवेज आधिकारिक तौर पर उड़ान भर सकेगी। आपको बता दें, अप्रैल 2019 से बंद पड़ी इस एयरलाइंस की नई मालिक अब जलान कार्लोक कंसोर्टियम है। इस कंसोर्टियम ने 15 और 17 मई को जेट एयरवेज की प्रूविंग फ्लाइट्स को सफलतापूर्वक पूरा किया था। प्रूविंग फ्लाइट्स का मतलब भी आपको समझा देते हैं। दरअसल प्रूविंग फ्लाइट्स में इंडस्ट्री रेगुलेटर DGCA के अधिकारी साथ होते हैं। ये फ्लाइट अधिकारियों के सामने ये दिखाने के लिए चलाई जाती है कि एयरलाइंस मार्केट में एंट्री करने के लिए तैयार है और फुल सर्विस ऑपरेट कर सकती है। इन्हीं उड़ानों के बाद कंपनी को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट यानी AOC मिलता है। किसी भी एयरलाइंस को अपनी सर्विस शुरू करने से पहले ये सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। जेट एयरवेज को भी एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिल चुका है। एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिलने के साथ ही जेट एयरवेज की ओर से जानकारी भी दे दी गई है कि कंपनी अपनी फ्लाइट्स अगली तिमाही यानी कि जुलाई सितंबर 2022 के बीच शुरू कर सकती है। आने वाले हफ्तों में कंपनी अपनी उड़ानों के टाइम शेड्यूल, नेटवर्क, सेवा और लॉयल्टी प्रोग्राम से जुड़ी कुछ और डिटेल्स भी रिलीज करेगी, जिसके बाद जेट एयरवेज आसमान में उड़ान भर सकेगी। याद दिला दे, 2019 से जेट एयरवेज ग्राउंडेड है। इससे पहले एयरलाइंस को साउथ एशियन नेशन की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइंस का दर्जा हासिल था, यानी जेट एयरवेज काफी पॉपुलर फ्लाइट्स में से एक थी। लेकिन पैसों की तंगी के कारण जेट एयरवेज का कामकाज 17 अप्रैल 2019 से बंद कर दिया गया था। पार्किंग में खड़े जेट एयरवेज पर करीब 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज था, जिस कारण जेट एयरवेज के खिलाफ NCLT में दिवालिया प्रक्रिया भी चलाई गई। एक समय था जब जेट एयरवेज के सामने कोई भी एयरलाइंस नहीं टिक पाती थी। यात्रियों की पहली पसंद भी जेट एयरवेज ही हुआ करती थी, यानी तब 2012 में जेट एयरवेज की भारत के एविएशन कारोबार में 26.3% की हिस्सेदारी थी, जो बाकियों के मुकाबले में कहीं ज्यादा थी। एयर इंडिया की 18.8% हिस्सेदारी रही। इसके अलावा इंडिगो की 18.7% हिस्सेदारी थी। किंगफिशर एयरलाइंस 17.4% हिस्सेदारी के साथ चौथे स्थान पर था। स्पाइस जेट की 13.4% हिस्सेदारी थी और गो एयर की 5.3% हिस्सेदारी एविएशन सेक्टर में थी। यानी एक जमाने में जेट एयरवेज का एयरलाइंस कारोबार में सिक्का चलता था, और अब एक बार फिर ये उम्मीद की जा सकती है कि ये सिक्का फिर से अपना जादू दिखाएगा और जेट आसमान की बुलंदियों पर होगा।